नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टर मैंटिक चैनल। दोस्तों, हमारी जो मोटरसाइकिल की बैटरी होती है वो आजकल मेंटेनेंस फ्री बैटरी दी जा रही है सभी मोटरसाइकिल के साथ, और उसके साथ बोला जाता है कि इसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन 2 साल बाद दोस्तों वो बैटरी डाउन होने लगती है और स्टार्टर में प्रॉब्लम आ जाता है। एक दो दिन रखते हैं गाड़ी तो स्टार्टर नहीं लगता सुबह में। तो दोस्तों, इसी वक्त में ये बैटरी रिकवर करना भी संभव हो जाता है। वो रिकवर कैसे करते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये मेरी पल्सर है मेरी खुद की, इसको 2 साल हुए हैं कंप्लीट अभी। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन में बंद रखता हूँ गाड़ी तो सुबह में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, स्टार्टर ठीक से लगता नहीं है, किक मारने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये बैटरी कैसे रिकवर करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बैटरी शुरू शुरू में ही रिकवर की जा सकती है। दोस्तों अगर एक ख़राब हो गई, स्टार्टर लगना ही बंद हो गया आपका, तो ये रिकवर नहीं होती। तो शुरू में ही आपको ये रिकवर करनी पड़ेगी। तो ये मैं बैटरी खोलूँगा अभी, इधर लिखा भी है दोस्तों, देखो ये मेंटेनेंस फ्री। लेकिन दोस्तों हम समझते हैं मेंटेनेंस फ्री मतलब इसको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी, जब भी बंद हो जाएगी तो बदल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी रिकवर हो जाती है, उसमें भी डिस्टिल वाटर और एसिड की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने ये क्यों बनाया है कुछ मालूम नहीं, लगता है अपना सेल बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऐसा किया है। पहली जो बैटरी आती थी वो उसमें डिस्टिल वाटर डालना पड़ता था, इसमें भी डालना पड़ता है, लेकिन कंपनी बोलती है ये मेंटेनेंस फ्री है। दोस्तों शायद आपको दिखाई दे रहा हो इधर, ये देखो ये लेवल दोस्तों, ये मैक्सिमम और मिनिमम है। तो ये लेवल देखो, पहले सेल की तो बिल्कुल बराबर है, दूसरे सेल की कम है, तीसरे की तो इससे भी कम है, इधर है, चौथे की इधर है, जो पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों ये भी है, ये देखो, मैं और दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं घर में और इसको कैसे रिकवर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें जो भी एसिड और डिस्टिल वाटर होता है, ये देखो लेवल कितनी घटी है। और दोस्तों 2 महीना में ऐसे ही चलाता तो पूरी बैटरी ख़राब हो जाती और मुझे बदलनी पड़ती। तो दोस्तों इसे अभी रिकवर कैसे करना है, इसमें दोस्तों डिस्टिल वाटर डालना है जो भी मैक्सिमम लेवल है उस तक। तो दोस्तों अभी इसको 2 साल हो गए, मतलब मुझे जब भी 1.5 साल हुए थे तभी देखना था कि इसमें डिस्टिल वाटर कम है या बराबर है। तो दोस्तों आप भी 1.5 साल बाद बैटरी को अपने चेक कीजिए कि डिस्टिल वाटर कम तो नहीं हो गया, कि डिस्टिल वाटर पूरा है तभी बैटरी अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों अब इसको खोलना कैसे है और डिस्टिल वाटर कैसे डालना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों ये मेंटेनेंस फ्री होने के कारण इधर आगे कैप होती है वो ऐसी नहीं है, लेकिन इसमें स्ट्रिप होती है वो हम निकाल सकते हैं, ये देखो स्क्रू ड्राइवर से। तो दोस्तों आप भी आज ही देखिए आपकी बैटरी खोल के, सिर्फ खोलोगे तो भी पता चलेगा, ये देखो। और दोस्तों डिस्टिल वाटर मैंने इधर डाल दिया है, डिस्टिल वाटर की 1 लीटर की बैटरी बॉटल दोस्तों 15 रुपये में मिल जाती है। इधर आपके एरिया में कितना रेट है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 रुपये से 30 रुपये तक वो डिस्टिल वाटर की 1 लीटर की बॉटल आ जाती है। हमारा घर में जो यूज़ करते हैं वो पानी डालते हैं तो भी चलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि डिस्टिल वाटर ही डालें। ये दोस्तों वाटर है, ये हाथ को लगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ये दोस्तों लेवल देख के मुझे डालना है।
दोस्तों मैं पूरे मैक्सिमम लेवल तक डाल दूंगा अभी। अरे ये देखो दोस्तों ये पूरी लेवल हो गई। अब मैंने पूरा मैक्सिमम पे रख दिया है ये देखो, और मैं इसको लगा के फिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये लग गया, ठीक है। अभी मैं ये कपड़े से साफ करूँगा थोड़ी बैटरी और लगा ले लूँगा। दोस्तों ये बैटरी अभी हमने लगा दी है, अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो चालू भी हो गई गाड़ी। दोस्तों अभी ये बैटरी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखे, मैं 8 दिन भी गाड़ी बंद रखूँगा तो भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्यों नहीं होती थी, क्योंकि उसका जो केमिकल था अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है और डिस्टिल वाटर होता है वो कम हो गया था, इसलिए वो प्रॉब्लम देती थी। मैं ऐसी चलाता और 1-6 महीने तो मुझे बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती। अब ये बैटरी मुझे लगता है ऐसे 1 साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं देगी मुझे, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मुझे आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल है मास्टर माइंड टेक, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।